मंदसौर में चोरों के हौसले आए दिन बुलंद हो रहे हैं। कॉलोनियों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके बाद FSL टीम जांच में जुटी है। वहीं बीती रात भी अभिनंदन नगर सूर्यांश विहार में एक शिक्षक के सोने घर पर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। शिक्षक के घर में शादी होने के कारण परिवार सहित इंदौर खरीदारी करने वे गए हुए थे और घर पर ताला लगा देख और कोई न होने के कारण चोरों ने घर में रखे गहने, कपड़े और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। वहीं करीब 10 से 12 लाख रुपए की चोरी की घटना की खबर लगते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। परसों गया था सर मैं इंदौर, जोधपुर इंदौर से गाड़ी से, शाम को 6:30 बजे करीब ताला लगा के गया था मैं टेम्पो के द्वारा, और आज मेरे को आना ही था। कल दिन भर थोड़ी सी इंदौर में खरीदारी करी है, आज मेरे को वापस आना था क्योंकि मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत मेरी ड्यूटी लगी हुई जगह खड़ी में, तो सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से मैं वापस निकल गया। तो सुबह 7 बजे मेरे को भैया का टेलीफोन आया था कि यार तेरे ताला टूटा हुआ है घर का, ये तो सब गहने वगैरह सभी ले गए, सब नगद कैश भी था। कितने की चोरी मान क्या? लगभग 10 से 12 लाख के करीब। कॉलोनी की लाइटों के संबंध में नगर पंचायत में करीब करीब मैं 20 से 25 बार जा करके प्रत्यक्ष रूप में, ये मेन पोल है ये जहाँ मतलब LED लैंप लगाने की मैं बात की, मगर आज दिन तक कोई लाइट नहीं लगाने आया और ना कोई सुनवाई हुई है। जी सूर्यांश विहार है अभिनंदन नगर में, सूर्य जी बोराना जी के यहाँ चोरी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, तो अभी FSL टीम आई है और जांच की है, अभी उसके बाद बताएंगे कायमी जो भी आगे पता चलेगा। जान अपना गेट जो मेन गेट है उसका ताला तोड़ के अंदर घुसा जो अज्ञात व्यक्ति जो भी था। ये मेरे अंकल है सूर्य जी बोराना, उनके यहाँ के सामने ही मेरा घर है। तो सुबह उठ के आया मैं 6 बजे, देखा गेट पे तो कुछ अजीब सा लगा गेट मेरे को, तो मैंने गेट खोला और देखा तो टूटी हुई थी, कटी हुई थी। फिर एकदम उठाया, देखा ताला खोला, ये खोला, पापा को बोला, सबको बोला और देखा, फिर अंकल को फ़ोन लगाया, भैया को, सबको फ़ोन लगाया। कहाँ फिर बताया ये सब शादी की शॉपिंग करने के लिए इंदौर गए थे। कुछ भी नहीं है इस कॉलोनी में, ना CCTV है ना कुछ भी नहीं है, चौकीदार वगैरह कुछ भी नहीं, चौकीदार भी नहीं है। मंदसौर से PD बरागी की रिपोर्ट।